पता है JSSC यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा रिम्स रांची स्टाफ नर्स ग्रेड ए का एग्ज़ाम कराया कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। और जो इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, और उसकी काफ़ी लोगों ने इसका जो है एग्ज़ाम के बारे में बताया कि सर एग्ज़ाम इस तरीके का था। काफ़ी स्टूडेंट्सों के रिव्यू आए, उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था उसके अकॉर्डिंग, और आपकी जो है कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए सभी स्टूडेंट्सों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ लेके आ गए, सारे डिटेल में बात करेंगे। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे सेफ जोन में है। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा आपको बताना चाहें इस वैकेंसी के बारे में, यहाँ पे देखिए इसमें जो है जनरल की जो वैकेंसी थी, अलग अलग कैटेगरियों की अलग अलग वैकेंसी थी, और इसमें 80-20 रेशियो रहने वाला था, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आपके कितनी कट ऑफ रहने वाली है, कितने नंबर हैं आपके, वो आप कमेंट करके बताइए, और आपको हम जो है सब कुछ बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं इस वैकेंसी के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज दूँ, तो यहाँ पे इनको अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी को डिवाइड किया गया था, ठीक है। इस तरीके से टोटल जो पोस्ट थी इसकी 350 पोस्ट थी। मैं आपको ए टू जेड जानकारी दूंगा, और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाली है उतनी ही रहने वाली है, ठीक है। टोटल जो पोस्ट थी 350 थी, उसमें से जनरल की 141, OBC की 88, SC ST की, इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 80-20 रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है 80% जो है फीमेल्स के लिए जाएंगी और 20% जो है मेल के लिए जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से डिवीजन था। अब आगे इसमें बात करेंगे, आगे क्या है देखिए, रेशियो 80-20 था, और टोटल जो मार्क्स थे देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे, टोटल क्वेश्चन 120 थे, और एक क्वेश्चन जो कितने नंबर का था, 4 नंबर का। इस तरीके से जो पूर्णांक हो रहा था आपका 480 नंबर का हो रहा था, ठीक है। इस तरीके से आपके नंबर कलेक्ट किए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो मेरिट बनाई जाएगी। अब देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 की, ठीक है। यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसके साथ में एक क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग थी। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम का लेवल स्टूडेंट्सों के द्वारा बताया गया था, काफ़ी स्टूडेंट्सों ने रिव्यू दिया है, और स्टूडेंट्सों ने बताया है कि सर एग्ज़ाम का जो लेवल था बहुत ईजी था। हालांकि कुछ परसेंट में स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि एग्ज़ाम ठीक था, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्सों ने बताया है एग्ज़ाम का लेवल ठीक था, ईजी था, ठीक है। सभी स्टूडेंट्सों ने अच्छी तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, और जो है कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग ही उनकी रहने वाली है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं 480 का पूर्णांक हो रहा है, तो इसमें से कम आपको पासिंग के लिए भी क्राइटेरिया रखा गया था, तो इसमें जो पासिंग मार्क्स आपके लेके आने हैं तो 40% आपको जो है पासिंग मार्क्स लेके आने होंगे, ये कंपलसरी है, ये आयोग के द्वारा बताया गया है, ठीक है। अगर आपके 40 नंबर नहीं आते तो आपका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है किसी भी चीज़ में, इसलिए 40 नंबर तो आपको लेके ही आने, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी था, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। सबसे पहले देखिए जो 40% है और 480 नंबर है, अगर मैं नंबरों को बताऊँ तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है वो सारी जानकारी मैं आपको परसेंटेज में बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन थे 120 थे, ठीक है, कुछ ने 110 क्वेश्चन किए हैं, 105 क्वेश्चन, 108 क्वेश्चन, उस तरीके से काफ़ी स्टूडेंट्सों ने अलग अलग तरीके से बताया है। तो मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे जो कट ऑफ देखिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो मैं आपको बताऊँ जनरल की कितनी जाने वाली है, जनरल की देखिए अच्छे अच्छे नंबर आएंगे स्टूडेंट्स के, और उनके द्वारा जैसे मान के चलिए 120 क्वेश्चन थे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्सों ने जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया लेके चल रहे थे तो लगभग 100+ से क्वेश्चन उन्होंने किए हैं अटैम्प्ट, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी डिपेंड करती है कितने क्वेश्चन उनके गलत होते हैं। तो जो अगर एक्सपेक्टेड मैं अपने हिसाब से अगर आपको बताऊं तो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स का फंड है वो जनरल के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो मेरिट रहने वाली है 80-85% रहेगी, क्योंकि 80 से तो ऊपर ही रहने वाली है जो जनरल के कैंडिडेट। जनरल की कितनी वैकेंसी थी, 141 पोस्ट थी, उनके लिए लेना पड़ेगा, और उसमें भी 80-20 रेशियो आप लगा सकते हो। तो मेल और फीमेल के यहाँ पे जो है मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये इससे मेल के लिए रहेंगे, ठीक है, फीमेल की थोड़ी कम रहेगी, इससे फीमेल के आप यहाँ पे जो है 2-3 नंबर कम कर सकते हो, ठीक है। ये मैं मेल की बता रहा हूँ, और मेल में ही आप 2-3 नंबर कम कर सकते हैं, वो फीमेल की निकल के आ जाएगी, और वहाँ पे जो है फीमेल के अगर इतने नंबर हैं तो उनका वहाँ पे सेफ जोन में सिलेक्शन के चांस उनके लिए बरकरार रहेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली। क्योंकि यहाँ पे आप लोग अंदाज़ लगा सकते हैं फीमेल के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं, और फीमेल को इस वैकेंसी का फ़ायदा उठाना भी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादातर जो है झारखंड की हैं, तो EWS की आप सबको पता है EWS और जनरल की लगभग सेम ही रहती है, थोड़ी सी कम रहती है, तो 1-2%, ठीक है, 80-83 रहने वाली है EWS की। और OBC की 75 से ऊपर आपके अगर हैं OBC में, ठीक है,
ओबीसी में 75 से ऊपर आप हैं तो आप जो है ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है एससी की 68 से 73 रहने वाली है, एसटी की 65 प्लस नंबर अगर आपके हैं तो एससी एसटी की यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि जनरल के जो कैंडिडेट 80 प्लस होने चाहिए उनके लिए यहाँ पे जो है चांस हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के 80 से ऊपर, ओबीसी 75 से ऊपर, एससी 68 से ऊपर और एसटी 65 प्लस, ठीक है। इस तरीके से जो है कट ऑफ आपकी देखने को मिलेगी और आप देख लीजिए इतनी रहने वाली है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया इससे आप एक तो नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो, एग्जैक्ट यही रहने वाली है क्योंकि स्टूडेंट्सों के कमेंट्स और जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है उनके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कट ऑफ रहने वाली है और इसकी जो है आप सबने देखा होगा रिम्स के द्वारा जल्दी से ही जो है जेएसएससी के द्वारा जल्दी से आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जो आंसर की डाल दी जाएगी और जैसे ही आंसर की आती है वो जल्दी से जल्दी हम आपको बताएंगे। इसकी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन रहेगी, जानकारी रहेगी, अपडेट रहेगी, वो जल्दी से जल्दी हम आपको तुरंत बताएंगे। इसलिए कोई भी कैंडिडेट चैनल पर नया आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे वो सब आपके पास आते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आती है वो जल्दी से जल्दी आपको बताई जाएगी। रिजल्ट इसका जल्दी आने वाला है, वो आपको पता पड़ जाएगा आपका कितने नंबर है और आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से हम लेके आते हैं आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।